हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। माई सेल्फ नीरज राजपूत। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से स्क्रू कंप्रेसर के बारे में बताऊंगा, जो स्क्रू कंप्रेसर होता है वो किस प्रकार से और कैसे वर्क करता है, या जो क्लास है, क्लास नंबर 6 है ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो यदि आप RAC से रिलेटेड अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरा एक RAC टेट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप, यदि आप लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट, कई सारे एक्सपर्ट उसमें ज्वाइन है। आप लोग एक नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्टिव है डिफाइन द स्क्रू कंप्रेसर, पार्ट ऑफ स्क्रू कंप्रेसर, वर्किंग ऑफ स्क्रू कंप्रेसर, टाइप्स ऑफ स्क्रू कंप्रेसर, एडवांटेज ऑफ स्क्रू कंप्रेसर, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रू कंप्रेसर। तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। स्क्रू कंप्रेसर एक हेलिकल प्रकार का कंप्रेसर है। हेलिकल मतलब चूड़ी वाला कंप्रेसर है, चूड़ीदार कंप्रेसर होता है ये। इसमें दो हेलिकल ग्रुप रोटर होते हैं, मेन रोटर और फीमेल रोटर। इसमें मेन रोटर को लूप्स और फीमेल रोटर को ग्रुप्स कहते हैं। इसमें एक रोटर जो मोटर से कनेक्ट होता है और दूसरा इसकी सहायता से घूमता है, इसे घूमता या HRS कंप्रेसर है, जिसे लाइसोलम प्रकार का कंप्रेसर कहते हैं। इसमें जो मेन रोटर होगा वो मोटर से कनेक्ट होगा और जो फीमेल रोटर होगा वो इसकी सहायता से चलेगा। इसमें मेल रोटर की संख्या होगी वो कम होगी और फीमेल रोटर्स की संख्या जो होगी वो अधिक होगी। पार्ट की बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये आपका गेयर्स लगे हुए हैं और ये बेयरिंग्स है। ये जो है ये फीमेल रोटर है और ये कूलिंग जैकेट है। इसमें चिल्ड वाटर को सर्कुलेट किया जाता है। ये मेन बॉडी केसिंग है, ये भी बेयरिंग्स है और ये सील है, ये एयर सील है और ये मेल रोटर है जो मोटर से कनेक्ट होता है। तो इसमें आप लोग को बता दें, इसमें जो फीमेल रोटर रहेगा उसमें लूप्स की संख्या ज़्यादा रहेगी और जो मेल रोटर होगा उसमें लूप्स की संख्या कम रहेगी। तो आप लोग को हम बता दें ये 4 और 6 या फिर 5 या 6 या फिर 5 और 7 की संख्या में मिलते हैं। इसमें मेल में जो लूप्स की संख्या होगी वो कम होगी और फीमेल में जो लूप्स की संख्या होगी वो अधिक होगी। जो इसमें मेल रोटर होता है वो मोटर से कनेक्ट होता है, इसी की सहायता से फीमेल रोटर घूमता है। अब बात करते हैं वर्किंग की, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो मेल रोटर है वो मोटर से कनेक्ट है और इसी की सहायता से ये फीमेल रोटर रोटेटिंग कर रहा है, और गैस यहाँ से इंटर हो रही। इस गैस के साथ ऑयल भी इंटर होता है। ऑयल और गैस दोनों एक साथ कंप्रेस होते हैं और कंप्रेस होकर ऑयल सेपरेटर में जाते हैं, जहाँ से ऑयल और गैस अलग अलग हो जाती हैं। जो ऑयल होता है वो हीट एक्सचेंजर में जाता है और जो गैस होती है वो कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर भी हीट एक्सचेंजर का काम करता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सक्शन पोर्ट से गैस इंटर कर रही है और ये चूड़ियों की सहायता से गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। इसीलिए इसको स्क्रू कंप्रेसर कहते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रू का प्रयोग करके गैस को कंप्रेस किया जाता है, इसलिए इसको स्क्रू कंप्रेसर का नाम दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रू कंप्रेसर की साइकिल है। तो जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है तो वो सीधा ऑयल सेपरेटर में आती है। तो ऑयल जो होता है वो गैस से भारी होता है, इसलिए नीचे तल पे बैठ जाता है, और जो गैस होती है वो हल्के होने के कारण ऊपर से हीट एक्सचेंजर में चली जाती है, और जो ऑयल होता है वो भी हीट एक्सचेंजर में चला जाता है और ठंडा होकर वापस कंप्रेसर सम्प में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये साइकिल काम करती है। टैप्स की बात करें तो जो स्क्रू कंप्रेसर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ट्विन स्क्रू, इसमें डबल हेलिकल का मतलब होता है कि इसमें दो लूप्स होते हैं, इसमें दो रोटर होते हैं, एक मेल रोटर और एक फीमेल रोटर। और आप लोग देख सकते हैं सिंगल स्क्रू मतलब मोनो स्क्रू, इसमें सिंगल स्क्रू होता है और साइड में दो स्क्रू दिए जाते हैं, इन्हीं की सहायता से गैस को कंप्रेस किया जाता है।
इसमें आप लोग देख सकते हैं सिंगल स्क्रू है और साइड वाले स्क्रू की सहायता से ये गैस को कंप्रेस कर रहा है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, ट्विन स्क्रू और सिंगल स्क्रू। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन इज सिंपल, लेस वेयर एंड टीयर, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मोर रिलेबल, डिस्चार्ज टेम्परेचर इज लो, गैस डिस्चार्ज इज नॉन प्लस्टिंग, हाई कंप्रेसर रेशियो, लेस सेंसिटिव टू लिक्विड स्लजिंग, अवेलेबल इन लार्ज कैपेसिटीज पर सिंगल यूनिट। मतलब छोटे से ही यूनिट में आपको लार्ज कैपेसिटी मिल जाएगी। ये इस कंप्रेसर की खासियत होते हैं कि ये छोटे ही यूनिट में काफ़ी बड़ी कैपेसिटी में काम करता है और इसमें नॉइज़ बहुत ही कम रहती है। एप्लीकेशन की बात करें तो स्क्रू कंप्रेसर आज मेनली यूज इन लार्ज इंडस्ट्रियल सिस्टम इन रनिंग एट द हाई स्पीड थ्रू द स्टेप अप गियर्स। इसका प्रयोग लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर लार्ज एयर कंडीशनिंग सिस्टम में किया जाता है जो 12 टीआर से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक तक होती है। और इसके साथ हम R22, R717, R134 एंड R404 गैस का प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं। इस कंप्रेसर के बारे में यदि आप लोगों को और भी कुछ जानना है या यदि आप लोगों का कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमको कमेंट करें, हम उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।